आपको सिखाता हूँ एक और रिएक्शन बैलेंस करना। तो ये देखिए प्रॉब्लम बोर्ड पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिवाइड कीजिए LHS में, RHS में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर लिया, अब इस पार्ट में जितने भी हमारे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, उनकी एटम यहाँ पर लिखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर दे रखे हैं 2 और 2 4, ये देखिए टोटल दे रखे 4। देन सल्फर 2 दे रखा हमारा, ऑक्सीजन 7 and 1 दे रखा, टोटल हमारे 8 दे रखे हैं। सेम हाइड्रोजन दिस साइड 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 दे रखा है, ठीक है। अब इतना करने बाद क्या है कि LHS RHS के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर क्या बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अगर नहीं है तो हमें कोई ना कोई ऐसा नंबर सेट करना होगा दोनों साइड में कि जिससे रिएक्शन हमारी LHS और RHS की बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, सल्फर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें बैलेंस करनी होगी। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इससे बैलेंस होगा। 2 का मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन में कितना हुआ हमारा, 4 हुआ। ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया हमारा, 2 का 8 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई सल्फर में हुआ तो क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया सल्फर 2 हो गया। अब क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है, चेक करते हैं फिर से। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, तो रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो चुकी है। कितनी आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो अगर आप भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बिल को जरूर पुश कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आप मुझसे किस टाइप की रिएक्शन चाहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।